नमस्कार दोस्तों, बेबी स्वेटर के सेकंड पार्ट को लेके मैं हाजिर हूँ। आज हम इसमें आस्तीन बनाएंगे। तो इसके लिए हम धागे को ट्रिपल फोल्ड करेंगे और जैसे हम नॉर्मल फंदे डालते हैं वैसे ही हम 44 स्टिचेस डालेंगे। देखिए ऐसे नॉर्मली जैसे हम फंदे डालते हैं वैसे ही हम 44 स्टिचेस डालेंगे। तो देखिए हमने 44 स्टिचेस डाल लिए हैं। अब हम चार लाइन उल्टा उल्टा बुनेंगे, सामने से भी उल्टा और पीछे से भी उल्टा। चार लाइन हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चार लाइन उल्टा बुन लिया है जिससे दो उल्टे फंदों की धारियां सामने से भी आ गई हैं और दो पीछे से भी आ गई हैं। अब हम पांचवी लाइन से अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदा सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट दो फंदों को लेंगे, एक दो, दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर चार फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और चार फंदों को जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, तीन चार। देखिए चार फंदों को हमने जाली देते हुए बुन लिया। अब तीन फंदों को हमें एक करना है, तो पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले फंदे में, फिर तीसरे फंदे में सिलाई डालेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। अब चार फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार, फिर उन अपनी ओर करेंगे। पांचवें फंदे के पहले हम जाली देंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और चार फंदों को हम जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार। फिर तीन फंदों को हमें एक करना है, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले फंदे में, फिर तीसरे फंदे में सिलाई डालेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब चार फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार, फिर उन अपनी ओर करेंगे। पांचवें फंदे के पहले हम जाली देंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और चार फंदा जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। ये तीसरा डिजाइन पड़ गया। फिर दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। अब लास्ट में तीन फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब ये हमारा सातवां लाइन है। तो सातवें लाइन में हम तीन फंदों को बुन लेंगे, फिर चौथे और पांचवें फंदे को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। अब देखिए पिछली लाइन में हमने चार फंदे बुने थे, अब एक फंदा घट गया, तो अब तीन फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे। देखिए जाली आ गया, तो ऊन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा सीधा बुनेंगे, दो तीन, ऊन अपनी ओर करेंगे और देखिए जाली, हम तीन फंदे जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, एक दो तीन, फिर तीन फंदों को हमें एक साथ लेना है और सीधा बुनते हुए तीन का एक करना है। पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले फंदे में, फिर तीसरे फंदे में और तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर तीन फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन, फिर ऊन को हम अपनी ओर करेंगे और जाली से जाली तक तीन फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदों को हम जाली देते हुए सीधा बुनेंगे।
दूसरा डिज़ाइन हो गया। आप देखिए अब यहाँ पे हम तीन फंदों को एक करेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले फंदे में, फिर तीसरे फंदे में सिलाई डालेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। तो दो डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। आप तीसरा डिज़ाइन तीन फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और जाली से जाली तक तीन फंदों को जाले देते हुए सीधा बुनेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और फिर तीन फंदों को जाले देते हुए सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। अब लास्ट में तीन फंदे हैं जिसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। अब ये हमारा नवा लाइन है। तो पहला फंदा स्लिप किया, दो फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर देखिए दो फंदों को एक साथ लेंगे, बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब दो फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और पांच फंदे को जाली से जाली तक, यानी पांच फंदे को जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे। देखिए जाली आ गया यहाँ पे, तो फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, फिर तीन फंदों को हमें एक करना है, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले फंदे में सिलाई डालेंगे और फिर तीसरे फंदे को साथ ले लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। और फिर दो फंदा सीधा, ऊन अपनी ओर करेंगे और जाले से जाले तक, यानी पांच फंदों को हम जाले देते हुए सीधा बुनेंगे। यहाँ जाली देने से फंदे बढ़ रहे हैं और तीन से एक करने से फंदे घट रहे हैं। तो जाली देते हुए दो फंदा सीधा, फिर तीन फंदों को हमें एक करना है, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले फंदे में, फिर तीसरे फंदे में, तीनों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए तीन का एक करेंगे। यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। फिर देखिए फिर तीसरा डिज़ाइन, दो फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर और पांच फंदे जाली देते हुए सीधा बुनेंगे। फिर उन अपनी ओर दो फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक, लास्ट में तीन फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तीन फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए इधर फंदे घटते जा रहे हैं, फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली से जाली तक सात फंदों को हम सीधा बुनेंगे। जाली आ गया, तो उन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर तीन फंदों को हमें यहाँ एक करना है, तीनों फंदों को लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए जाली से जाली तक के सभी फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, यानी जाली से जाली तक के सात फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। देखिए जाली आ गया, तो उन अपनी ओर करेंगे और एक फंदा जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, फिर तीन फंदों को हमें एक करना है, तो तीनों फंदों को लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली से जाली तक के सारे फंदे हम सीधा बुन लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर तीन फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब ये हमारा
अब फिर हम तीन फंदों को सीधा बुन लेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाले से जाले तक के नौ फंदों को हम सीधा बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और नौ। अब उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदों को हमें यहाँ पे एक करना है। तो पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर तीसरे फंदे में सिलाई डालेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे। देखिए यहाँ बीच में फंदे बढ़ रहे हैं और यहाँ घट रहे हैं, जाली देते हुए नौ फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे और इन तीन फंदों को हमें एक करना है। तो तीनों फंदों को ले लिया और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे, तीन का एक किया, फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाले से जाले तक के यानी नौ फंदों को जाली देते हुए सीधा बुन लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे और लास्ट में तीन फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। और यहाँ पे एक डिज़ाइन ये कंप्लीट हो गया है, 14 लाइन कंप्लीट हो गया और ये एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब इन्हीं 14 लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है, लेकिन चूंकि ये आस्तीन है तो हमें साइड में फंदे भी बढ़ाने होंगे। तो इस लाइन में हम फंदे बढ़ाएंगे, इस लाइन में हमें सभी फंदों को उल्टा बुनना है। तो पहला फंदा स्लिप कर लिया, नेक्स्ट फंदे में हमें दो फंदा बनाना है, उल्टा बुना, फिर इस फंदे को यूँ टर्न करेंगे और फिर इसी में एक बार और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। तो देखिए दो फंदे से हमारे तीन फंदे हो गए। अब शेष फंदों को हम उल्टा बुनते हुए लास्ट सेकंड फंदे पे आएंगे, तो वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सेकंड लास्ट पर पहुँच गई हूँ। तो इसमें हमें दो फंदे बनाने हैं, एक बार उल्टा बुना, फिर इसी को ऐसे घुमा के फिर इसी में एक बार और उल्टा फंदा बुन लेंगे। तो हमने एक से देखिए दो फंदे बना लिए, लास्ट फंदा उल्टा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब ये डिज़ाइन का ये हमारा 17वीं लाइन है, तो 17वीं लाइन में भी सभी फंदों को उल्टा बुन लेना है और 18वीं लाइन में भी सभी फंदों को उल्टा। तो दो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। 19वीं लाइन और सामने से, तो अब फिर ये हमारा 10 लाइन का डिज़ाइन बनेगा। तो चूँकि पिछली लाइन में हमने यहाँ पे देखिए पहला फंदा स्लिप किया था, फिर दो फंदों को सीधा बुना था, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ गया है तो अब हम तीन फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक, फिर चार फंदा सीधा, एक, दो, तीन, चार, और पांचवें फंदे के दोनों साइड में हमें जाली देना है, एक, दो, तीन, चार। अब देखिए इन तीन फंदों को हमें एक साथ लेके बैक लूप से एक सीधा फंदा बना देना है, फिर चार फंदे सीधे, दूसरा डिज़ाइन, दो, तीन, चार, पांचवें फंदे के दोनों साइड में हमें जाले देना है। तो उन अपनी ओर करेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, फिर चार फंदा हम जाले देते हुए सीधा बुनेंगे, फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे और
सीधा बुनते हुए तीन का एक करेंगे, फिर चार फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे। पांचवें फंदे के दोनों साइड में हमें जाली देना है, तो जाली देते हुए सीधा बुना, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, इससे जाली बन जाएगा। फिर अगला चार फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक, लास्ट में चार फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुनेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब ये हमारा 21वां लाइन है। 15वीं लाइन में हमने एक फंदा बढ़ाया था, ये 21वां लाइन है यानी छठा लाइन है। अब इस लाइन में फंदा बढ़ेगा, तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अगले फंदे में हमें एक से दो करना है, तो पहले सीधा बुन लेंगे, फिर ऐसे बैक लूप से इसी फंदे में एक बार और सीधा बुनेंगे। तो देखिए एक से ये दो फंदा हो गया, फिर हम एक दो, दो फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए ये हो गए हमारे पांच फंदे। अब फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। अब फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अब देखिए जाली आ गया, तो उन अपनी ओर करेंगे, जाली से जाली तक यानी तीन फंदे हम सीधा बुनेंगे, फिर उन अपनी ओर जाली देते हुए तीन फंदा सीधा, फिर तीन फंदों को हमें एक साथ लेना है और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेना है। यहाँ पे दो फंदा घट गया, यहाँ पे देखिए दो फंदे बढ़े हैं और यहाँ पे दो फंदा घट गया। फिर तीन फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए तीन फंदा सीधा बनेंगे, फिर उन अपनी ओर और तीन फंदा सीधा, फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। यहाँ पे हम तीन का एक करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे जाली से जाली तक यानी तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर उन अपनी ओर तीन फंदा सीधा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे सीधा बुनते हुए दो का एक, लास्ट में देखिए चार फंदे बचे हैं, तो दो फंदा सीधा बुनेंगे और तीसरे फंदे में हमें दो फंदा बनाना है। एक बार सीधा बुना, फिर इसी में पीछे की तरफ से एक बार और सीधा बुन लेंगे। तो हमने एक से दो फंदे बना लिए, यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया, लास्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे सीधे। इसी तरह हमें प्रत्येक छठी लाइन में फंदे बढ़ाने हैं। अब हम फिर सामने की तरफ आ गए, तो अब हर छठी लाइन में हमें फंदे बढ़ाने हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास छः फंदे हो गए हैं, डिज़ाइन के बाद यहाँ पे हमारे पास छः फंदे हो गए हैं और ये टोटल हमारे पास 15 फंदे हो जाने चाहिए। दोनों साइड में 15-15 फंदे होने चाहिए और 8 डिज़ाइन हमें कंप्लीट करना है। तो इतना करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ये आस्तीन कंप्लीट कर लिया है। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ फूल हमारे कंप्लीट हो गए हैं और हमने चार लाइन उल्टा उल्टा बुन लिया है। और इस समय देखिए साइड में डिज़ाइन के बाद देखिए साइड में दो चार छः आठ दस बारह 14 और ये एक 15, ये साइड में हमारे पास 15 फंदे हो गए हैं। इस साइड में भी और इधर भी देखिए तो दो चार छः आठ दस बारह 14 और ये एक 15, तो दोनों साइड में 15-15 फंदे हो गए हैं और 8 लाइन का डिज़ाइन हो गया है। तो अगली भाग में हम इन चारों पल्लों को हम एक साथ इकट्ठा करेंगे और स्वेटर को पूरा करेंगे।
तो शेष अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।